शुरा मुबारक है आल इमरान की आयत नंबर पंद्रह सोलह और सत्रह पर आज हम गुफ्तु करेंगे आउदबिल्लासम आलिमिल्लैतरजीम बसमलर रहीम الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم قُل اَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرون والص... الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صلواتهم इर्शाद हो रहा है कि हमारे हबीब आप इनसे कह दें कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें बताऊं जो इन सब से बेहतर हैं उन लोगों के लिए जो परहेज़गार हैं उनके परवरदिगार के पास ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे और उनके लिए पाकिज़ा आजवाज हैं और अल्लाह की ऱा और खुशनुदी हुई और अल्लाह अपने बंदों से ख़ूब वाक़ है जो ये कहते हैं कि परवरदिगार बिला शुबा हम ईमान लाए अब तो हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले ये लोग करने वाले सच बोलने वाले इताद करने वाले अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले और शहर के वक्त इसतफ़ार करने वाले हैं इन आयतों पर हमें गुज्त हफ़्ते गुफ्तु करनी थी लेकिन इससे पहले की जो आयत थी आयत नंबर चौदह उसी में कुछ गुफ्तु इतनी तवील हो गई कि हम आगे नहीं बढ़ सके अलबत्त चूँकि ये मौजू नहायत ही अहम है और क़ुरान मजीद की उन आयतों में से ये आयतें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में हिदायत के लिए और हमारी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी की असलाह और हमारी बेहतरी के लिए हैं इसलिए इन पर गुफ्तु अगर एक कुछ और हो जाए तो मुनासिब है आपको याद होगा कि जिस आयत पर गुजत हफ़्ते गुफ्तु हुई थी उसमें ये कहा गया था कि हमने इंसानों के लिए कुछ चीज़ों को ज़ीनत दी है अलबत् लफज हमने नहीं था उसमें इस पर भी हम गुफगू कर चुके हैं बल्कि जगिन अल्नास से बात शुरू हो रही थी कि लोगों के लिए ज़ीनत दी गई है चंद चीज़ों में और उन चीज़ों का ज़िक्र किया गया था उन चीज़ों को अगर आप शुमार करें तो छः हैं वो चीज़ें जिनका जिक्र क़ुरान ने इस आयत में किया था अब्बहवा यानि जो लज्ज़त और लुत्फ इंसान को आता है जिन जिन चीज़ों में ख़्वाहिशात में उन से लगाव उन से दिली तल्लक़ उन से महबत इस मोहब्बत में ज़ीनत यानी कशिश है और ये कशिश पैदा की गई है किन चीज़ों में है औरतों में और औलाद में वल़नातीरमु़ंतरा قناطير क़न्तरा की जमा है या कंतार की कंतार की जमा है यानी ढेर फिर उसकी ताक़ीद मुक़न्तरा एक और लफ्स उसी मादे से लाया गया यानि काफ़ी ढेर किस चीज़ के और भीफिवा सोने और चांदी, तो सोने चांदी ये दो चीज़ें हैं जिनसे मोहब्बत है इंसान को वल मुसवमा, ख़ैल, यानि घोड़े और घोड़े वो भी मुमताज़ घोड़े नामदार घोड़े वो घोड़े के जिनकी जिनका बड़ा नाम है या बड़े मुमताज़ हैं या बड़े अच्छे हैं या बड़े कीमती हैं वो घोड़े जाहिर है कि घोड़े से मुराद अगर हम आज की ज़िंदगी में देखें तो उससे अमूमी मफहम अगर लें तो सवारी जो आज भी हमारे दौर में सवारी को अहमियत इंसान देता है वलन आम अमूमी तौर तो पर तमाम जानवर जो इंसान के काम आते हैं वलहर्फ और खेती और ज़ाहिर है कि इसमें इशारा अमूमी तौर पर हर तरह के उस जरिए माश की तरफ है जिसे आज हम इकतसाद कह सकते हैं इंसान की ज़रूरियात जहाँ से भी पूरी हों जाल के मतल दुनिया आखिर में ये कहा गया कि सब के सब दुनियावी ज़िंदगी का सामान है वाहु अंदुलमआ और असल नतीजा और असल कामयाबी असल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के पास है यहाँ पर बात तमाम हुई थी और उसके बाद की आयतों पर हम गुफ्तगू नहीं कर सके थे दिलचस्प बात यह है कि जहाँ गुफ्तु तमाम हो रही है दाल के मताउल हयात दुनिया ये सब दुनियावी ज़िंदगी की मता है, यानि सामान्य ज़िंदगी है सामान्य ज़िंदगी कह कर बहुत ही बलीग अंदाज़ में कुरान ने ये इशारा दिया कि इस दुनिया में पहले तो ये जो छह चीज़ें बयान की हैं यही ये, ये छह चीज़ें नहीं हैं लेकिन ये वो उन चीज़ों में से है जिसकी तरफ इंसान ज़्यादा तवज्जो करता है ज़िंदगी में सारी दौड़ सारी तक दो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह इसी फिक्र में लगा रहता है और इसी कोशिश में इसी काविश में कि वो इन्हीं चीज़ों को हासिल कर ले यानी ओवरऑल कुरान ये पैगाम देना चाहता है कि इंसानी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें इंसान के लिए कशिश रखती हैं इंसान बस उसी में लगा रहता है जाल के मतान हयात दुनिया हो सकता है कि आपके पास कोई और भी फहरिस्त हो लंबी फहरिस्त हो तो उसको कवर कर लिया एक कहकर ये सब के सब ज़िंदगी के सामान हैं दुनियावी ज़िंदगी के सामान हैं और ये बात कह के बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज़ में एक बहुत बड़ा पैगाम कुरान ने दिया अगर इंसान इस पर गौर कर ले तो यही एक लफ्स काफ़ी है कि आप जिस चीज़ का भी ज़िक्र करें इस दुनिया में जिसके लिए हमारे हमारी सारी कोशिशें और काविशें सारा हम गम हमारा उसी सिलसिले में हम जो कुछ भी है जो कुछ कर रहे हैं वो सब उसी फ़िक्र में वक्त हमारा गुजर रहा है तो वो क्या है वो चीज़ें क्या हैं आप जिस चीज़ का भी नाम लें अगर उसका ताल्लुक दुनिया से है तो कह दिया कि जालिक मता ये मता हैं मता क्या मतलब पता है सामान सामान है आप जब कभी कोई सामान खरीदते हैं तो वो सामान किसी वजह से खरीदते हैं किसी शेय के लिए खरीदते हैं उस सामान का कोई मकसद होता है वो सामान खुद मकसद नहीं होता सामान खुद हदफ नहीं होता आपने फ्रिज खरीदा फ्रीजर खरीदा वो फ्रीजर जो है वो खुद पर्पस नहीं है यानी आपकी जिंदगी का पर्पस फ्रीजर नहीं है उसको किसी और पर्पस से आपने खरीदा उसका एक मकसद है आपने कंप्यूटर ख़रीदा कंप्यूटर खुद बेज़ात खुद हदफ और टारगेट और मकसद आपका नहीं है ज़िंदगी का बल्कि आपने कंप्यूटर को इसलिए नहीं ख़रीदा कि बस कंप्यूटर लेना है कंप्यूटर से कुछ करना है जो कुछ करना है वो उसके लिए सामान है ये देखिए आप कितनी या ये कि आप सफ़र कर रहे हैं सफ़र करने के लिए आप तैयारी करते हैं आपने एक बैग खरीदा और बैग खरीदने के बाद उसके अंदर कुछ सामान रखे कुछ कपड़े रखे कुछ किताबें रखी जो कुछ भी आपको सफ़र में चीज़ें काम आने वाली थी वो रखी वो जो चीज़ें रखीं वो असल में आपकी मंजिल नहीं है मंजिल कुछ और है उस मंजिल तक जाने के लिए दरमियान में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसको आप मुहैया कर रहे हैं उसे सामान कहते हैं उसे मता कहते हैं तो मता कभी भी खुद टारगेट नहीं होता मता कभी भी खुद मकसद नहीं होता मता कभी भी इंसानी ज़िंदगी का हदफ नहीं होता बल्कि हदफ तक पहुँचाने का एक वसीला होता है वो भी सारा वसीला नहीं होता वसाइल में से कुछ वसाइल का नाम वो सामान है जो आप लेके चलते हैं सफर में या आप खरीदते हैं अपने घर के लिए या आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं कोई भी किसी शेय का तस्वर कर लीजिए हरगज़ भी वो चीज़ जो आपने खरीदी है वह बेजाते खुद हदफ नहीं है वो किसी हदफ तक पहुँचाने का वसीला है तो कुरान ने यह बयान किया कि तुम इस जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो जो कुछ भी लेते हो जिसके लिए भी तुम दौड़ लो क्या यही तुम्हारी जिंदगी का हदफ है तुम्हारी जिंदगी जो कीमती जिंदगी अल्लाह ने दी क्या यही है जाल के मताउल हयाती दुनिया इस दुनियावी जिंदगी की मता है मगर दुनियावी जिंदगी किस लिए है वह इन सामान के लिए नहीं है आपकी जिंदगी इन सामान के लिए नहीं सामान आपकी जिंदगी के लिए आपकी जिंदगी हुस्नुल आप असल जो मुस्तकबिल है जो फ्यूचर है जिसको ठीक करने के लिए इंसान बचपन से शुरू करता है अपनी जिंदगी क्या करना चाहते हैं आप बच्चा नींद आ रही है सोना है उसको लेकिन आप जबरदस्ती उसको उठा रहे हैं कहां ले जाना है स्कूल ले जाना है किंडरगार्टन से स्टार्ट करता है अरे भी सोने दें छोटा सा बच्चा है अभी कहीं नहीं स्कूल जाना है क्यों इसको सता रहे हैं आप का इसका मुस्कबिल है मुस्तबिल के लिए तुमने तो कहा चलो ठीक है मुस्कबिल के लिए उसके बाद फिर फर्स्ट ग्रेड में गया तब भी वो आंखें मलता हुआ परेशान होता हुआ स्कूल जा रहा है क्यों मुस्तबिल के लिए उसके बाद फिर और आगे बढ़ा यहाँ तक के हाई स्कूल तक पहुँच गया अभी भी जा रहा है स्कूल हाई स्कूल भी उसने कर लिया कॉलेज जाने लगा कॉलेज भी कर लिया उसने डिग्री भी ले ली डिग्री लेने के बाद अब तो सुकून मिल जाए उसको अब तलाश में है जॉब की भैया बचपन से लेकर अभी तक तुम स्कूल जाते रहे जहमत उठाते रहे परेशानी उठाते रहे सुबह जाते थे शाम को वापस आते थे फिर भी तुमको होमवर्क भी करना है फिर सुबह जाना है किस लिए कहा मुस्तकबिल फ्यूचर ठीक होना है फ्यूचर ठीक तो फ्यू, अभी फ्यूचर नहीं मिला अब शुरू कर दी जॉब या आप जॉब क्यों कर रहे हैं दो दो जॉब्स कर रहे हैं क्यों कहा मुस्तबिल ठीक होगा साठ साल के हो गए सत्तर साल के हो गए उसके बाद साइड बिजनेस शुरू कर दिया ये क्या कर रहे हैं क्या मुस्तबिल ठीक होगा है, हो है कहाँ वो मुस्तबिल जिसके लिए इंसान स्टार्ट करता है उस बचपन से लेकर और मरते दम तक काम करता रहता है वो मुस्तबिल कहाँ है क़ुरान यही मफहम पेश करना चाहता है कि तुम जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हदफ़ करार देकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो वो हदफ नहीं है मतलत दुनिया है वो इस जिंदगी का साजो सामान है इसको सामान के तौर पर यूज करो हदफ के तौर पर यूज ना करो असल हदफ और असल मुस्तबिल तुम्हारा अल्लाह के पास है उसके लिए काम करो अच्छा अब ये बात हुई एक और पॉइंट ये हो कैसे ये हो कैसे उसके बाद इसका तस्करा बाद में आएगा लेकिन ये तस्वर करें कि ये बात कैसे हम समझ लें कि हम जो चीज हमारे पास है आज जो दौड़ है इस जिंदगी में मादी माहौल है मादी मैंटलिटी बन चुकी है मटेरियलिस्टिक माइंड है हर इंसान का और ऐसी कैफियत में हम कैसे समझ लें और फिर ख़ास तौर पर जबकि जुयना लिन्नास जीनत दे दी गई और ये बात भी हम गुज़िश्ता हफ्ते बयान कर चुके हैं कि वो बहस के भाई ये जीनत किसने दी है शैतान ने दी है या अल्लाह ने दी है और ये भी तय हो गया कि नहीं असल में तो जीनत अल्लाह ही ने दी है शैतान तो सिर्फ हमारे आमाल में जीत देता है यानी हमें हमारे दिलों दिमाग में गुरूर पैदा करता है कि भाई हम तो कुछ हैं बाकी वो और चीज़ों में कशिश पैदा करता है वो सिर्फ़ हराम चीज़ों में कशिश पैदा करता है वो हलाल में कभी जो है कशिश पैदा नहीं करता अल्लाह जो है वो ओरिजिनली जीनत देता है लेकिन कैसे पता चले कौन जीनत देता है ये बात आपको याद होगी कि अगर इंसान का दिल हराम की तरफ खिंच रहा है नाफरमानी की तरफ कशिश पैदा हो रही है तो समझो ये कशिश शैतान की पैदा की हुई है और अगर इता आते परिगार की तरफ कशिश हो रही है सो फजर की नमाज का वक्त है और रात को देर से यकीन आप हजरात सोते होंगे आजकल छोटी रात होती है देर से मगरब का वक्त होता है आप देर से सोए दो घंटा कोई एक घंटा कोई तीन घंटा सोकर और दौड़े हुए आप यहाँ पर आ गए नींद भी आ रही होगी शैतान खींच भी रहा होगा अरे छोड़ो आज अगर आज नहीं गए तो क्या आ लेकिन आप चले आए इसको कहते हैं जिहाद बिन नफ्स कशिश शैतान पैदा कर रहा था नींद में अल्लाह कशिश पैदा कर रहा था नमाज में और इबादत में और तफसीर के दर्श में तो अब कशिश दोनों में थी आप जिस तरफ आ गए तो पता चल गया कि किस चीज में कशिश अल्लाह ने पैदा की है और किस चीज में कशिश शैतान पैदा कर रहा है यह खुद मैार है इस बात का तो एक चीज और जो गुजा हफ्ते रह गई थी बस उसको जिक्र करके हम आ, आगे बढ़ते हैं कि जीनत के तल्ले से हमने बहुत सी आयतें आपके सामने पढ़ी कुरान से और उन आयतों का हवाला भी दिया जिसमें यह कहा गया कि शैतान ने जीनत पैदा की चीज़ों में और जिसमें अल्लाह ने जीनत पैदा की एक आयत रह गई थी और वो है अगर आप देखें अजीब आयत है वो सूर्य हुजरात की आयत है जिसमें कहा गया कि वलाकिन हब्बालाईमान वहफुल तो पहले तो ये कहा गया सूरह मुल्क में वल जनसमुनिया मसाबी हमने आसमान को जीनत दी आ, सितारों और सैारों से और उसके बाद फिर कहा सूर कहफ में कि हमने जमीन को जीनत दी, इन्ना मा जीनतन लहा हमने जो कुछ भी ज़मीन में है उसे जीनत दी उसमें जीनत दी किसको जमीन को जीनत दी इन्ना जालना मा अल-अर्द हमने जो कुछ भी जमीन पर है उसे जीनत दी जाहिर है कि जिस चीज से किसी शय में कशिश पैदा हो उसे जीनत कहते हैं जीनत दी किस चीज को किस चीज को जीनत दी हमको जीनत दी यानी हम अच्छे लगने लगे उन चीजों से यह है कमाल की बात बस ये बहुत ही अहम नुकता है अगर इंसान इस पर तो जो है तो जो कले सूर कहफ आयत नंबर सात में कि हमने जमीन को जीनत दी इन चीजों से किस चीज को जीनत दी इंसान को नहीं जमीन को जीनत दी जमीन को जीनत दी दरख्तों से जमीन को जीनत दी इन फलों से जमीन को जीनत दी इन तमाम बेहतरीन खूबसूरत मकानों से ये जो आज इंसान ने अपनी अक्ल की बुनियाद पर ये खूबसूरत शहर ये सारे शहर इंसान थोड़ी इससे खूबसूरत हो गया शहर खूबसूरत हुआ ज़मीन खूबसूरत हुई बहुत अच्छी खूबसूरत गाड़ी है तो आप थोड़ी उससे खूबसूरत हो गए उस गाड़ी के चलने से सड़कें अच्छी लगने लगें सड़कें शानदार हो गई यानी ज़मीन को जीनत अल्लाह ने दी और फिर इंसान की भी जितनी कोशिशें वो जमीन को जीनत दे रहा है इंसान इंसान की जीनत क्या है इंसान किस चीज से खूबसूरत होता है कपड़े पहन लिए कपड़े खूबसूरत हुए ना आप थोड़ी खूबसूरत हुए बहुत अच्छे कपड़े पहने बड़े कीमती कपड़े पहने कपड़े तो कीमती है उससे आप कहां कीमती हो गए अब देखें सूरह हुजरात की आयत कमाल की बात है अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा की वजय्यूफी क्लू बिकुम और तुम्हारे दिलों को इस ईमान के जरिए से जीनत दी दिल ही तो इन, यानी इंसान का सारा वजूद उसकी नस्बत उसके दिल ही की तरफ है ये सारी ख्वाहिशात कहाँ पैदा होती हैं दिल में तो पैदा होती हैं जिसका जिक्र अभी किया गया हब्बुश शहवात ये शहवात कहाँ पैदा होती हैं ये ख्वाहिशात कहाँ पैदा दिल में ये दिल में ज़ाहरी तौर पर इंसानी साजो इंसानी जिंदगी के सामान के तौर पर तो इस हद तक तो उनसे मोहब्बत हो सकती है कि मेरी ये जरूरत का सामान है बस लेकिन दिल में वो चीज़ें जगह नहीं पा सकती दिल में जो जीनत है इंसान की जो जीनत है वो ईमान है बाकी जितनी चीज़ें हैं वह इंसान की जीनत नहीं वो तो ज़मीन की जीनत है वो मखलूक की जीनत है मखलूक मखलूक की जीनत बन जाती है ईमान इंसान की जीनत बनता है तो इसी वजह से जिस चीज में ज्यादा जीनत होती है उसमें ज्यादा कशिश होती है उसकी ज्यादा अहमियत होती है जितनी कशिश ज्यादा है जितना एट्रैक्शन ज्यादा है वो अट्रैक्शन इसीलिए है कि उसमें कोई कोई खसूसियत ज्यादा है इंसान का अट्रैक्शन उसको खसूसियत देता है इंसान की जो कशिश है वो उसकी जीनत से है और जीनत दिल में है और दिल में जो जीनत है वो ईमान से है इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास जितना ज्यादा ईमान है और तकवा है उतना ही ज्यादा वो पुरकशिश है इसलिए अल्लाह ने कहा इन अक्रम अकुम इन खाकुम तुम में जो ज्यादा साहिब तकवा है वह अल्लाह की नजर में ज्यादा साहिब इज्जत और करामत है अब ये बात कुरान ने वाजी कर दी इससे ज्यादा वजाहत और क्या हो सकती है उसके बाद फिर भी कहा आयत नंबर पंद्रह में कुल अन्ब उकुम बंदुम ये जो जीनत की चीज़ें जिनकी एक फहरिस्त बयान की इस फहरिस्त को बयान करने के बाद ये भी कह दिया कि ये तो जिंदगी का साजो सामान है वो भी दुनियावी जिंदगी का लेकिन फिर भी आओ क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमको बताऊं खबर दूँ ब उकुम नब से है खबर नबा उस खबर को कहते हैं जिसमें कोई अहमियत हो अहम खबर को नबा कहा जाता है इसीलिए इसी लफ्ज से नबी है नबी नबा ही से है नबी वो के जो नबा पहुंचाने वाला है, खबर देने वाला बड़ी अहम खबर देने वाला नबी से बढ़कर अच्छी खबर देने वाला कौन हो सकता है कायनात में अंबिया जो आए उन्होंने जो खबर दी जो इतला दी जो मालूम हमको बहम पहुंचाई उन मालूम से ज्यादा अहम कौन सी मालूम हो सकती हैं तो इसीलिए उसको नबी कहा जाता है नबा से तो अब यह पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि बल्कि पैगंबर इस्लाम से कहा जा रहा है अल्लाह फरमाता है कि इनसे कहो कि क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीजों की खबर दे दू जो तुमने इस दुनिया में देखी है उनको तुम पुरकशिश समझते हो बड़ा हसीन तुम्हारा दिल उनकी तरफ चला जाता है अगर सही माना में पुरकशिश चीज़ें और ज़्यादा इनसे अहम चीज़ें जानना चाहते हो कि क्या हैं तो क्या मैं तुमको बताऊं तो ऐसा भी हो सकता था कि बराहरास कह दिया जाता है कि भाई ये तो कुछ भी चीज़ें नहीं हैं इनसे बेहतर ये चीज़ें हैं मगर देखें स्टाइल कुरान का ये कमाल कुरान आ उन, क्या मैं तुम्हें बताऊं ये क्या मैं तुम्हें बताऊं जो इंसान को मुतवजह करता है फौरन तो जो पहले अपनी तरफ मबजूल करा ली हर इंसान मुतवजह हो गया क्या मैं बताऊं हाँ हाँ बताएं कोई कहेगा नहीं बताएं क्या जरूरत हमको नहीं है कोई कहेगा बताएं तो ये सवाल जो है वो ताकीद के लिए है। और यह सवाल जो है वह एम्फेसाइज के लिए और यह सवाल इसलिए ता कि ताकि लोग मुतवजह हो जाए ताकि अब इसके बाद जो बात कही जा रही है वह बहुत अहम है क्या मैं बताऊं हाँ सुनो लिल लजीनत तक अब बताए कि कुछ चीजें इससे बेहतर हैं उन चीजों की फ़हरिज बयान की फ़हरिज बयान करने के बाद यह कहा जा सकता था कि यह किसके लिए है मगर इससे पहले कि फ़हरिज बयान की जाए पहले बता दे कि किसके लिए लजीनत तक मैं बता तो रहा हूं मगर यह एक के लिए नहीं है हर एक मत खुश हो जाना कि उनको इससे अच्छी चीज मिल जाएगी भाई अगर किसी के पास एक मकान है आपने किसी को दावत दी और वो पहुंचे मकान में देखा माशाल्लाह बड़ा अच्छा मकान है बहुत उम्दा मकान आपने खरीदा लेकिन क्या मैं आपको बताऊं इससे सस्ती कीमत पर इससे अच्छा मकान इससे अच्छी लोकेशन क्या मैं बताऊं आपको तो आप फोरेंगे अरे बताइए मैं तो समझ रहा था कि यही सबसे अच्छा मकान है बताइए 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 और एक शर्त लगा दें मगर ये हर एक के लिए नहीं है आ, ये हर एक के लिए नहीं है कि मैं मेरे पास जो एक कुछ मकानात हैं जो मेरी नजर में हैं वो हर एक को नहीं बताऊंगा मैं इसी तरह नबी कह रहे हैं कि अभी है तो अच्छी चीजें इनसे अच्छी चीजें अब हर एक कहेगा अरे हम जिनको बहुत अच्छा समझ रहे हैं अगर इनसे कोई अच्छी चीज है तो हम क्यों नहीं लेंगे क्या है वो अच्छी चीजें क्या है वो बेहतर इस कायनात के इन पुरकशिश चीजों से बेहतर कोई चीज क्या दुनिया में है तो नबी कहते हैं है मगर ये हर एक के लिए नहीं है लदीन तक पहले दिमाग में रख लो ये सिर्फ उनके लिए हम बयान कर रहे हैं जो साहिबान तकवा हैं जो परहेजगार हैं परहेजगार हो मुतकी हो तो सुनो वरना तुम इसी सामान्य दुनिया ही में पड़े रहो तुम उसी लायक हो कि बस तुम इसी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो ये कीमती जिंदगी जो अल्लाह ने तुमको दी है खत्म कर दो उसी लेकिन अगर तुम मुतकी हो तो सुनो लदी नको इंदर अब जाहिर है एक बात याद रखिए ने तक कहा सिर्फ जो साहेबाने तकवा हैं उमून पूरे कुरान में कुरान का अंदाज़ यह आप देखें शुरू से आखिर तक कि जब कभी ईमान का जिक्र हुआ तो फ़ौर अमल साले का जिक्र किया है और जब कभी इ... अमल साले का जिक्र किया तो फ़ौर ईमान की शर्त लगा दी है हर जगह ईमान और अमल साले साथ चल रहा है यहां पर ईमान का जिक्र नहीं है जहार तकवा का है ताकि लोग तकवा का गलत मफहूम न ले लें या नहीं समझ न लें कि जो ज्यादा नमाजें पढ़ता हो वह मुतकी है जो साल भर सिर्फ रोजे रखता हो वह मुतकी है जो बड़े हज करता हो हर साल वह बड़ा मुतकी है तकवा स्टार्ट ही होता है ईमान से ईमान और तकवा ईमान और अमल ए दोनों को शामिल है तकवा वो शख्स मुतकी नहीं हो सकता जिसके अकायद खराब हो इसलिए कि तकवा की पहली मंजिल यह है तकवा क्या मतलब यानी खुद को बचाना बुराई से बचाना विकाया से और उसका दूसरा मफहम यह है अल्लाह से खौफ अल्लाह से डरना किस सिलसिले में डरना कि मेरा अमल खराब ना हो जाए से कोई गुनाह ना हो जाए तो उससे पहले अकीदे को दुरुस्त रखना यह तकवा की पहली मंजिल है दूसरी मंजिल तकवा है अमल को दुरुस्त रखना लेकिन उमू तौर पर लोगों के जहन में तकवा का मफहम सिर्फ अच्छा अमल आता है अच्छा अकीदा तक में शामिल नहीं है यहां यह इशारा दिया गया कि नहीं यह दोनों चीजें मरबूत हैं ईमान और अमल साल और इन दोनों के मजमू का नाम तकवा है लिल लदीन तक जो साहिबान तकवा है एक और चीज़ ये कही जा सकती है कि गुज्त आयत से अगर इसको मरबूत किया जाए इस तकवा और परहेजगारी को तो इसका मफहम यह होगा कि जो लोग मस्कूरा दुनियावी ख़्वाहिशात और लज्जात में तकवा का दामन न छोड़ें यानी ये मफहम एक होता है अभी जो फहरिस बयान की गई दुनियावी चीज़ों की लजीन तकओ है तो बड़ी पुरकश चीज़ है लेकिन हम पर हराम नहीं है ऐसा नहीं कि अब हम इन चीज़ों को छोड़ दें तब हमको जन्नत मिलेगी नहीं 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 लो उनको जरूर इस्तेमाल करो दुनिया की हर ख्वाहिश को पूरा करो अपनी लजीन तको लेकिन तकवा के साथ पूरा करो जब तकवा के साथ पूरा करोगे इसको मरबूत माने अगर उससे इस तकवा को तो मफहूम में हुसन पैदा हो जाता है दामन अगर ना छोड़ें तकवा का तो उन्हें आखिरत में इससे बेहतर नेमतें मिलेंगी इससे बेहतर नेमतें मिलेंगी आपने कोई भी एक चीज छोड़ दी तकवा की बिना पर आपने देखा कि गाने में बड़ी कशिश है गाना है फिल्म है जो हराम है मगर उसमें कशिश है कोई मूवी है आपने उसको छोड़ दिया आपने उस गाने को छोड़ दिया तो रिवायात हैं कि जो शख़्स यहाँ गाना छोड़े सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए जन्नत में उसे जिस तरह की आवाज़ें और ख़ूबसूरत सदाएँ उसके कानों में पहुँचेंगी जो दूसरों को नहीं मिलेंगी वो तो सिर्फ़ इस बिना पर कि उसने यहाँ पर ये सदाएँ नहीं सुनी ये आवाज़ें नहीं सुनी वो बेहतरीन आवाज उसको वहां मिलेंगी शराब तहूरा क्या मतलब है पाक और पाकिजा एक खालिस ऐसा शरबत जो ममिन को मिलेगा जिन्होंने यहां शराब नहीं पिए शराब में हो सकता है कशिश हो यहां किसी नकार बड़े मजे की पियो मजे की उसके लिए है जिसने चखी हो जो चखे ही नहीं उसके लिए मजा ही कैसा है ही नहीं मजा मगर चखने वाले अगर आपको बताएं कि इसमें मजा है तो ठीक है तुम बता रहे हो इसमें मजा है और किसी और ने बताया है कि उसमें मजा है तो हम तुम्हारी बात माने कि हम उसकी बात माने शराब तहूर उसको मिलेगी जो यहां नजिस शराब न पिए तो तुम लिल तक अब हम तुमको बता रहे इनसे बेहतर चीजें तुमको मिलेंगी ऐसा नहीं है तुम हम अगर इनकी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम अब ये जो जितनी भी जिंदगी की चीज़ें हैं उनको छोड़ दो और ऐसे बिल्कुल जाकर जंगल में ज़िंदगी बसर करो ऐसा नहीं है खूब खाओ खूब पियो तमाम लज्जतों को अपने और ख्वाहिशात को पूरा करो लुफानंदोज हो इस जिंदगी जिन्द, से लेकिन लिलवीन तकओ इस लुत्फानंदोजी के साथ अगर तकवा का दामन तुमने नहीं छोड़ा तो आखिरत में तुमको जो मिलेगी उसको सुन लो क्या मिलेंगी और वो कहाँ मिलेंगे इंदर रब के पास रब के पास इसमें बड़ा है परवरदिगार के पास मिलेंगे इसमें इससे बेहतर क्या है कि हमको जो कुछ मिलने वाला है उसकी बारगाह में मिलने वाला है जन्नत इन तजर पहली चीज जो तुमको मिलेगी वो जन्नत अब यहां जन्नत सिंगुलर यूज नहीं हुआ जन्नात जमा है जमा कसी जन्नात इन जन्नत की जमा जन्नाथ जन्नत बाग को कहते हैं यहां तुम एक बाग के लिए मरे जा रहे हो वहां बाफसील बागात बागात। है इस वक्त हमारा मौजू नहीं है आगे आए थे आने वाली हैं जन्नत का डिस्क्रिप्शन कि जन्नत में होगा क्या कैसे बाघ होंगे कैसी नहरें होंगी कैसे मकानात होंगे कितने बड़े होंगे तस्वूर इंसान अगर कर लेगा तो करें, लेकिन यहाँ एक आ गया कि बाग नहीं। तुम्हारे लिए बागात है बागात है और ऐसे बागात हैं जिसमें एक नहर नहीं नहर नहीं अनहार तीन ते उसके नीचे नहरें बह रही कशिश अब तुम कशिश की बात कर रहे हो ना कुरान एक पुरकशिश मंजर पेश कर रहा है ऐसे बागात का जिनमें नहरें बह रही हैं और सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात एक अजीब साइकोलॉजी इंसान की इसको याद रखिए कितना भी पुरलुत्फ पुरलज्जत कोई भी मामला हो कोई भी शय हो जिसमें कशिश है जिसमें जाजबियत है जिसमें अट्रैक्शन है जिसमें मजा है टेस्ट है बेहतर से बेहतर टेस्ट अच्छे से अच्छा लुत्फ और मजा और फन खत्म हो जाता है एक तस्वर से किरकिरा हो जाता है वो क्या इस तस्वर से के ये तो खत्म हो जाएगा किसी भी लुत्फ के खत्म होने का तस्वुर उस लुत्फ को मुकम्मल नहीं होने देता इम्कान के दिमाग में कितना भी बड़ा आप कोई मिसाल ले लीजिए कि फुला चीज में बड़ा फन है इट इज रियल फन आई लाइक इट आई लव इट लेकिन एक ही चीज उस खुशी को खत्म कर देती है या कम से कम उस खुशी को मध्यम कर देती है वो क्या है कि रहेगी नहीं ये खुशी ज्यादा दिन लेकिन खुदा ने फ़ौरन कहा कि हम जिन बागात की बात कर रहे हैं हम जिस जन्नत की बात कर रहे हैं खालिदी नफिया ये उन्होंनेमतें हैं जो हमेशा रहने वाली कभी खत्म नहीं होंगी कभी कम नहीं होंगी खालिदीन फी ये फानी नापायदार वक्ती और नहायत मुख्तसर नमतों की बात नहीं हो रही है यह उन नण की बात और उन लज्ज़तों की बात हो रही है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। उसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो अजवाजुल मतहरा और पाकिज़ा बीवियाँ होंगी पाकिज़ा बीवियाँ होंगी अब यहाँ इस वक्त वक्त नहीं रह गया हमें ये ये अर्ज़ करने का कि अक्सर खवतानी पूछती हैं कि शोहरों का जिक्र क्यों नहीं किया गया ठीक है उनको हक़ है पूछने का लेकिन मैं सिर्फ इतना मख्तसर कह कि आगे हमेशा बढ़ता हूँ यहाँ कभी मौका मिले तो इन शाला सिर्फ़ इसी पर गुफगू होगी कि चूँकि अल्लाह की नज़र में औरत की इज़्ज़त है और उसकी इफत है और उसका वक़ार है उस विकार के मुनाफी है ये कहना कि औरतों तुम काम करो अल्लाह के लिए तुम अच्छे काम करो तुमको अच्छे मर्द मिलेंगे अच्छा नहीं लगता औरतों से ये कहना ऐसा लगता है कि अल्लाह ही समझता है कि औरत मर्द से मुख्तलिफ है ये बातें मर्द के दिमाग में आती हैं जिनसी लज्जतों का तस्वुर लिहाजा हुरों का जिक्र करके अजवाज का जिक्र करके इन मर्दों के दिलो दिमाग में अमल खैर की तरफ कशिश पैदा की जा सकती है औरतें इससे बुलंद हैं औरतें इससे बाला हैं और उनकी इफ़त का तकाजा यह है कि उनसे ये बात ना कही जाए रहा यह कि क्या मिलेगा तो दूसरी आयतों में कह दिया कि मा तदरी नफ्सुन मा दा उजान बन किसी नफ्स को पता ही नहीं कि अल्लाह ने उसके लिए क्या सरप्राइज रखा है क्या कुछ छुपा के रखा है तो इसमें ज्यादा मजा है कि जो खुल के बता दिया मर्दों को या इसमें ज्यादा इज्जत और एहतराम और इफत है कि औरतों को बताया नहीं लेकिन यह कह दिया कि कुछ चीजें हमने तुम्हारे लिए छुपा के रखी छुपा के रखी तो अब कोई नहीं कह सकता कि औरतों के लिए कुछ नहीं नहीं है मगर बयान करना मुनासिब नहीं है औरतों के लिए तो इतना काफी है यहां पर इस वक्त तफसील इंशाल्लाह किसी और मौके पर लेकिन एक तस्वर रखिए कि जब औरतों का जिक्र किया चूंकि एक और बात है कि चूंकि इससे पहले की आयतों में भी औरत ही का जिक्र किया गया है उसमें भी औरत की इज्जत है यानी औरतों से नहीं कहा कि औरतें मर्दों के पीछे जाती हैं मर्दों पर यह है कि भाई तुम्हें जरा सा कुछ हया करनी चाहिए कि तुम तुम्हारे दिमाग में हर वक्त सिर्फ औरतें रहती हैं पैसा रहता है दौलत रहती है औरतों को इससे महफूज रख लिया औरत को खुश होना चाहिए ना कि एतराज़ करना चाहिए तो इससे पहले भी निस्सा का जिक्र है हब्बुशाहवात मिनन नसा उसके मुकाबले पर अल्लाह ने कहा कि इंसान के ज़िंदगी में जो चीज़ें शैतान के लिए वसीला बनती हैं उसका गुमराही के लिए बेहतरीन वसीला जो इस्तेमाल करता है उनमें से ये रवाबित हैं तो उसका जवाब दिया कि नहीं अगर तुम ये तसूर कर लो कि आखिरत में भी तुम्हारे पास इसका मौका होगा बीवियाँ होंगी लेकिन वो जो बीवियाँ होंगी मतरा पाकिज़ा होंगी जमनन इस जानब भी इशारा कर दिया इस हकीकत की तरफ भी तवज्जो दिला दी कि औरत की सबसे अहम सिफत उसका पाकिज़ा होना है अगर उसका हुसन सबसे अहम होता तो अल्लाह कहता कि वहाँ उनको ऐसी बिया मिलेंगी जो बड़ी हसीन होगी तस्वूर कीजिए वहाँ उनको ऐसी खातन मिलेंगी जो बड़ी हसीन और जमील होगी नहीं ऐसी खातन मिलेंगी जो पाकिजा होंगी पता चला कि जवजा का पाकिजा होना सबसे बड़ी सिफत है ये जो शादी में लोग देखते हैं कितना पैसा है लड़की के पास कितनी पढ़ी लिखी है लड़की Uh, कितनी एडवांस है लड़की कितनी ख़ूबसूरत है लड़की कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है ये जो सब चीज़ें देखते हैं इसमें कितनी बार तुमने देखा कि कितनी मोमिना है कितनी पाकिज़ा है तो कुरान ने कहा कि वह मुताहिरा पाकिज़ा औरतें उनको मिलेंगी हुसन का जिक्र हाँ किया है जहाँ हुरों का जिक्र है वहाँ हुसन का जिक्र किया है बेशक हुरों के सन का जिक्र किया है लेकिन जहां लफ्ज इस्तेमाल किया हम सर जोजा वहां हुसन का जिक्र नहीं किया ताकि पता चले कि जब हम जूजा का इख्तियार करें का तस्वर पैदा हो तो वहां उसका हुसन जवजा का उसका ईमान और उसकी मानवी पाकिजगी और तहारत मानवी हुसन है और फिर इमाम में जाफर साद्लम ने फरमाया के मानवी तहारत के साथ साथ औरत वहाँ पर जिसमानी एतबार से भी ज़ाहरी नजास्तों से भी पाक होगी वो जो यहाँ पर माहाना नजासतों में मुबला होती है उस नजासत से भी वहाँ पाक होगी सबसे बढ़कर उम्मील सबसे बड़ा जो लुत्फ एक मोमिन को आएगा ये सब चीजें तो हैं ही बागात होंगे और जन्नतें होंगी और अजवाज मुता होंगी और ये होगा और वो होगा सारी एक तरफ अल्लाह अल्ला की जो रजा होगी उसमें जो खुशी होगी कि मेरा परोजगार मुझसे खुश है इसमें जो एक लुत्फ़ आएगा इसीलिए सूरह तोबा में सूरह तोबा में एक और आयत है

पाकिजा मकानात होंगे अदन की जन्नतों में अदन के बागात में लेकिन वर्जवान मिनल्ला अकबर इन सब से बढ़कर जो उनको मिलेगा वो ये होगा कि अल्लाह उनसे खुश होगा खुशनुदी पर इससे बड़ी खुशी मोमिन क्या होगी मेरा अल्लाह मुझसे खुश है इस वक्त तो सारा डर ये है सारा खौफ ये कितनी भी नहमतें हों एक खौफ है अल्लाह खुश है कि नहीं वहाँ अल्लाह खुश होगा कोई डर नहीं मोमिन को अल्लाह की खुशी सबसे बड़ी नहम वल्ला बसर उमाद अल्लाह अपने बंदों को खूब जानता है देखें आयतों का अख्तित जहाँ होता है वो बहुत ही अजीम है क़ुरान में बलागत की पीक पर होता है वल्ला बसर उम्म अल्लाह अपने तमाम बंदों से वाकिफ है ये बात क्यों कही यहाँ इसलिए कि इससे पहले काफिरों का भी जिक्र किया और उनके लिए अजाब का तस्करा किया बाद में मोमिनों का जिक्र किया और मोमिनों के लिए उनके जजा का जिक्र किया अब आखिर में यह कह दिया कि अल्लाह अपने बंदों से खूब वाकिफ है तो उसका अदल है ही इसलिए कि चूंकि वो इल्म रखता है इल्म ना हो तो अदल नहीं हो सकता उसके इल्म ही की बिना पर वो जानता है कि किसको जजा देनी है किसको सजा देनी है उसको मालूम है कि किसने कितना अच्छा किया है कितना बुरा किया है वो अपने बंदों से वाकिफ है वाकिफ है तो अदल के मुताबिक अपने इल्म के मुताबिक वो उनको जजा भी देगा और सज़ा भी देगा वक्त तमाम हो चुका और उसके बाद फिर आज फिर एक आयत रह गई हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सारी बातों को निपटा दें लेकिन क्या करें कुछ मसाइल ऐसे आते हैं कि जी चाहता है कि उनको तफसील से थोड़ा सा बयान कर दिया जाए आयत नंबर सोलह आज फिर रह गई लेकिन उसको बाद की आयतों के साथ मिलाया जा सकता है इसलिए कि एक रब्त बाकी है बात की आयतों से और वो भी बाद की आयतें बहुत अहम हैं जिनमें से एक वो आयत भी आ रही है जिसे आप बचपन से सुनते आए हैं इन नदी इस्लाम तो इनशाला इस पर हम आइंदा हफ्ते गुफ्तु करेंगे सलवाल पर महम्मद